Elipse Academy, making your future brighter. Mithanpura, Muzaffarpur. हाँ दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में आपको आयनिक ट्यूटोरियम का इंट्रोडक्शन बता दिया था. जैसा कि आपको आयनिक ट्यूटोरियम में थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल्स बता दिया था, ठीक है. उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ बेस, ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है. मतलब आयनिक ट्यूटोरियम का लेक्चर 1 ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया आपको क्लास में, ठीक है, कि आरएनएस एसिड क्या है, ब्रॉन्स्टेंट एसिड क्या है, ठीक है, लुईस एसिड क्या है, ये सब सारा कुछ हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इक्विलिब्रियम आयनिक ट्यूटोरियम टॉपिक 1 में, ठीक है. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में, वो डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है. आज क्या डिस्कस करने वाले, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है. तो देखते हैं थोड़ा, पहले वाटर का नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ वाटर. सबसे पहले हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है. तो सबसे पहले इसकी नेचर की बात करें, ठीक है. नेचर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो नेचर ऑफ वाटर का एक्सप्लेन करना, नेचर ऑफ H2O. ये आइदर एसिडिक इन नेचर या बेसिक नेचर, वाटर का नेचर है क्या, तो हम बात करें. मैंने आपको एसिड को भी डिफाइन कर दिया, एसिड की थ्योरी भी बता दी, बेस की भी थ्योरी लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है. तो मैं अकॉर्डिंग टू आर्यूनियस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्यूनियस एंड ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ठीक है, वाटर एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, एज वेल एज बेस. कितनी वाटर अकॉर्डिंग टू आर्यूनियस, आर्यूनियस का सारा एसिड को आने जो इस प्लस डोनेट कर सके, ठीक है. आर्यूनियस का सारा बेस को आने जो OH माइनस डोनेट करे, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू आर्यूनियस वाटर एसिड भी है और बेस भी है, क्योंकि उसमें H प्लस भी होगा OH माइनस भी, ठीक है. अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेन, ठीक है, वाटर H प्लस डोनेट भी कर सकता है, वाटर H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है. तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेन भी वाटर एसिड का काम करेगा, बेस का भी काम करेगा, ठीक है. हम थोड़ी बात करें अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू लुईस, ठीक है. लुईस का सार एसिड और बेस क्या है, वैसा सब्सटेंस जो लोन पेयर डोनेट करे, दैट इज कॉल्ड लुईस बेस, ठीक है. तो वाटर के पास क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या कर सकता है, H2O के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखो H2O में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक है. तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू लुईस, तो अकॉर्डिंग टू लुईस वाटर एक्ट एज बेस, ठीक है, एक्ट एज बेस. तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वाटर का नेचर क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्यूनियस और ब्रॉन्स्टेन एसिड का भी काम कर सकता है, बेस का भी काम कर सकता है, ठीक है. और अकॉर्डिंग टू लुईस एक्ट एज ओनली बेस, ठीक है. तो मैंने सारे एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर के बारे में, वाटर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था. अब मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूं दूसरा पॉइंट, मोलारिटी ऑफ वाटर, मोलारिटी या बोले कॉन्सेंट्रेशन, शॉर्ट में लिख रहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ये मैं डिस्कस करने वाले, ठीक है. तो मोलारिटी या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर डिस्कस करने वाले, तो मैं अब फार्मूला में लिखता हूं. मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा, मोलारिटी इक्वल टू, बोलो बेटा क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी मोल्स अब आई क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर, ठीक है. तो मोलारिटी का फॉर्मूला आपको मैंने लिख दिया, ठीक है. अब हमें मोलारिटी किसका निकालना है, वाटर, तो ना ही मोल मालूम है ना ही वॉल्यूम मालूम है, कुछ भी तो मालूम है. तो आपको मैंने थर्मोडायनामिक्स में बता दिया कि जो कंसंट्रेशन टर्म है, ऑल कंसंट्रेशन टर्म क्या, दो तरह का थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव. तो कंसंट्रेशन टर्म कैसा प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव, बता के रखा हूं कंसंट्रेशन कैसा प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी यानी मास से क्या होता है इंडिपेंडेंट ठीक तो मैं मान लेता हूं कि लेट बी टेक 1 मोल ऑफ वाटर चाहे 1 मोल वाटर का मोलैरिटी निकालो चाहे 2 मोल वाटर का मोलैरिटी निकालो आंसर सेम ही है बिकॉज मोलैरिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो मास पे डिपेंड करता नहीं ठीक है तो लेट बी टेक लेट moles of water H2O 1 मान लेगा 2 मान के भी सवाल कर सकते हो ठीक है तो इसका मास कितना हो जाएगा ठीक है मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा यहां से निकालो ठीक है मास मतलब क्या होता है मोल मतलब क्या मॉलिक्यूलर मास मोल कितना है 1 है ना और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना 18 18 ग्राम यानी मास ऑफ वाटर कितना 18 ग्राम ऐसे भी 1 मोल का मास 18 ग्राम ही आएगा ठीक है अब देखो यार वाटर का मास आ गया हमें मोलैरिटी निकालने के लिए मोल वाइज वॉल्यूम चाहिए हमें वॉल्यूम भी चाहिए मोल तो ऑलरेडी हमने लिख दिया 1 मोल जिस दिन वॉल्यूम निकल जाए उस समय आपकी मोलैरिटी 5 हो जाएगी वाटर तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करो देखिए मैं वाटर की वॉल्यूम निकाल रहा हूं देखिए हमें नोन है वाटर डेंसिटी का डेंसिटी वाटर का नोन है 1 ग्राम डेंसिटी ऑफ H2O ये नोन है 1 ग्राम पर में और डेंसिटी ग्राम क्या होता है मास वाइज वॉल्यूम मास वाइज वॉल्यूम क्या से वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल रहा ना ठीक है ये वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ जाएगा H2O यदि बात करें तो वॉल्यूम H2O ठीक है मास तुम्हें मालूम है ना ठीक है कितना 18 ग्राम डेंसिटी मालूम है तो वॉल्यूम ऑफ इसको मास बाय डेंसिटी मास कितना आपको पता है 18 ग्राम और डेंसिटी कितना ठीक है मास देखो ना मास देखो वॉल्यूम निकालना है आपको मास वाटर का मालूम है कितना 18 ग्राम देखो अब ये क्या करो डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल तो ये जो वॉल्यूम आ जाएगा किस में आ जाएगा एमएल में आ जाएगा ठीक है इसको चाहो तो आप लीटर में बदल दो कितना 18 बाय क्या 1000 लीटर हो गया अब हमें क्या चाहिए मोलैरिटी ठीक है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दो ना मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 माना है वॉल्यूम कितना 18 बाय 1000 ठीक है सॉल्व कर लो यार 1000 बाय 18 हो जाएगा सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 55.55 मोल पर लीटर मोलैरिटी का यूनिट आपको पता है यानी वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो 55.55 मोल पर लीटर होगा ठीक है ये किस बेल चाहे आप 1 मोल वाटर के लिए सॉल्व करो चाहे 2 मोल वाटर के लिए सॉल्व करो कंसंट्रेशन जब भी आएगा मोलैरिटी ऑफ H2O 55.55 मोल पर लीटर ये रिमेंबर भी रखें आप कि प्योर वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो 55.55 मोल पर लीटर है ठीक है आप 2 मोल के लिए मान के बना रहे हो तो नहीं आ रहा लेट मी टेक 2 मोल्स ऑफ वाटर तो कितना आ जाएगा मास 2 * 18 हो जाएगा 36 ग्राम आ जाता ठीक है तो 36 में मान आ जाता ठीक है तो 36 में मान आ जाता और इसको लीटर में बदल दो तो 36 में 1000 आ जाता वॉल्यूम अब देखिए वॉल्यूम अब हमें क्या लगा मोलैरिटी मोल्स अब दो बताओ हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट का दिया दो मात्रा का दो होता और नीचे में क्या आता 36 बाय 1000 यदि इसको सॉल्व करते ठीक है 1000 ऊपर जाता ठीक है और 2 के यहां पर 36 तो 1 बाय 18 कट के तो आता तो 1000 बाय 18 ही तो फिर सॉल्व करने में आता सॉल्व करने के बाद फिर से तो 1000 बाय 18 ही आता आप करके भी देख सकते हो यानी आप मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि मोलैरिटी जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो मास से डिपेंडेंट है चाहे 1 मोल मान के बना चाहे 10 मोल मान के बना चाहे 50 मोल मान के बना आपकी जैसी इच्छा है ठीक है तो प्योर वाटर का कंसंट्रेशन कितना बेटा 55.55 मोल पर लीटर अब इसको आप पहले नोट कर लीजिए ठीक है मैंने दो प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन किया और भी आगे जो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी ठीक है वो है सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर पहले इसको कॉपी कर लीजिए ठीक है Thank you.
सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है, ये इसको ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं। ये आप डिसोसिएशन ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो वाटर एक बी के इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वाटर एक बी के इलेक्ट्रोलाइट है, ये अपने आप क्या करता है, डिसोसिएट करता है, ठीक है। तो बी के इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोसिएट करेगा तो क्या कंप्लीट या इनकम्प्लीट, बता चुका क्या इनकम्प्लीट डिसोसिएशन करेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो मैंने कहा H plus OH minus, आप इसको self ionization of water बोलो, dissociation of water भी बोल सकते हैं, auto protolysis of water भी बोल सकते हैं। What is the meaning of auto protolysis? Auto का मतलब itself, अपने आप, protolysis का मतलब proton, ये टूट के क्या देगा? H plus देगा ना, इसी का इसको auto protolysis of water भी बोल देगा, ठीक है? अच्छा, अब हमारा मकसद क्या है? यहाँ से थोड़ा देखते हैं, at time t equal to zero पे मान लो वाटर का कंसंट्रेशन सी है, तो H plus कितना होगा? जीरो, ये भी जीरो, ये सबसे ना चुका हूं मैं, ठीक है। आफ्टर डिसोसिएशन यदि आफ्टर डिसोसिएशन बात करें तो क्या हो जाएगा, C माइनस सी अल्फा, ये कितना हो जाएगा बेटा, सी अल्फा, ये कितना हो जाएगा बेटा, सी अल्फा, ये सबसे ना चुका हूं, ठीक है। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, ये सारा कुछ मैंने ब्रेक करना आपको सिखा चुका हूं। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखो बेटा, प्रोटोबेटा रिएक्टेड यानी कंसंट्रेशन ऑफ H+ * कंसंट्रेशन ऑफ क्या OH- डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या H2, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम बोल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, के इक्विलिब्रियम का बोल सकते हैं क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर H2O, ठीक है। अब यहां देखो समझने वाली बात है कि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है, तो आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन यदि कंसंट्रेशन ऑफ H2O की बात करें तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि ये डिसोसिएट ही बहुत कम हो रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि आफ्टर डिसोसिएशन कंसंट्रेशन ऑफ H2O ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, कि डिसोसिएशन और डिसोसिएशन से बिफोर और डिसोसिएशन के बाद यदि हम बात करें वाटर का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं आप, क्योंकि बेटा वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन बहुत ही कम हो रहा है। इसी कारण मैं करता क्या हूं कि H2O के कंसंट्रेशन को क्या मान लेता हूं, कांस्टेंट मान लेता हूं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बहुत कम होगा, ठीक है। तो आफ्टर डिसोसिएशन H2O का कंसंट्रेशन मान सकते हैं रिमेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट को इक्वल कर रहे हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये हम लिख रहे हैं क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इक्वल टू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बेटा H+ * कंसंट्रेशन ऑफ क्या OH-, और ये दोनों कांस्टेंट का मतलब अगर कांस्टेंट लिखते हैं इसको मैं kW का नाम देता हूं, ठीक है, क्या नाम दिया बेटा kW, तो kW इक्वल टू क्या हो गया बेटा H+ * क्या OH-, और kW को बोलेंगे क्या बेटा, kW को बोलेंगे क्या आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्या बोलेंगे बेटा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर जो बोलेंगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, बिकॉज KW इज द प्रोडक्ट ऑफ आयंस ऑफ द वाटर, वाटर के आयंस का प्रोडक्ट है, इसी कारण KW को क्या बोलेंगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब बेटा पूरा कंसेप्ट हो जाना, ठीक है, पहला क्वेश्चन है सर KW की वैल्यू, ठीक है, कब चेंज करेंगे, ठीक है, क्या H+ चेंज करेंगे OH- चेंज करेंगे, H+ और OH- चेंज करने से क्या KW चेंज करेगा सर,
तो k डॉट टू h प्लस और वो माइनस हां h प्लस मतलब अलग अलग h प्लस में तो सर अलग अलग सॉल्यूशन के लिए k डॉट टू का मान अलग अलग होगा नो k डॉट टू ओनली डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर बिकॉज k डॉट टू है क्या अरे k डॉट टू तो एक रेट कांस्टेंट टू h2o का कंसंट्रेशन है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब कब चेंज कर रहा है जब टेंपरेचर चेंज करे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा तभी चेंज करेगा ना जब टेंपरेचर चेंज करे यानी kw भी तभी चेंज करेगा ठीक है जब क्या चेंज करे टेंपरेचर चेंज करे ऐसा मत सोचना कि अलग-अलग के लिए सॉल्यूशन के लिए h + 2h - का प्रोडक्ट kw के बराबर ठीक है अब होगा हमेशा होगा अलग-अलग अलग-अलग सॉल्यूशन के लिए ऐसा नहीं सोच लेगा kh + और h - अलग-अलग केडब तभी चेंज करेगा जब उसका टेंपरेचर चेंज करे सॉल्यूशन का टेंपरेचर चेंज करता हो ठीक है अरे टेंपरेचर कांस्टेंट होगा केडब कभी चेंज नहीं करेगा तो मैं कह सकता हूं ना केडब नोट क्या कह रहा है ध्यान देंगे यानी h + और h - चेंज करेंगे तो केडब अलग-अलग सॉल्यूशन के लिए h + अलग-अलग होगा तो केडब चेंज नहीं करेगा तभी केडब चेंज करेगा जब टेंपरेचर चेंज करे मैं बार-बार इस बात को बोल रहा हूं केडब इन अ फंक्शन ऑफ टेंपरेचर ठीक है टेंपरेचर चेंज करेंगे तो केडब्ल्यू की वैल्यू चेंज कर जाएगा अब क्वेश्चन राइज कर रहा है सर मैं देखो केडब्ल्यू इज ओनली फंक्शन ऑफ टेंपरेचर यदि आप टेंपरेचर चेंज करोगे तो केडब्ल्यू चेंज करेगा अलग अलग सॉल्यूशन के एक्सप्रेस अलग अलग हो सकता लेकिन केडब्ल्यू चेंज नहीं करेगा यदि केडब्ल्यू इस तरह चेंज करने से चेंज नहीं करेगा ये तो टेंपरेचर चेंज करने से केडब्ल्यू चेंज करता है ठीक है क्योंकि आपने देखा ना केडब आया कहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ h2o से और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी फंक्शन ऑफ टेंपरेचर यदि आप टेंपरेचर चेंज करोगे तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज कर जाएगी ठीक है अब यहां देखो केडब की वैल्यू आप बोल सकते केडब की वैल्यू टेंपरेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा या घटेगा सर क्वेश्चन ये भी आज का तो आपको मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में वन टॉपिक क्वेश्चन बनाया था बताया था क्या लॉग k2 by k1 तो इसके लिए kw के लिए लिखता हूं लॉग kw2 by kw1 ठीक है इक्वल टू डेल्टा h अपॉन 2.303 r 1 by क्या बेटा t1 minus t2 ये मानते हो कि दोस्तों इस समय नहीं करने के लिए टू डिफरेंट टेंपरेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना kw2 क्या है kw2 है क्या t2 टेंपरेचर पे आने पर होगा वाटर ठीक है kw1 क्या है t1 टेंपरेचर पे आने पर होगा वाटर डेल्टा h क्या है एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन आर तो आप जानते हैं क्या है गैस कांस्टेंट ठीक है अब देखते हैं कि सर टेंपरेचर चेंज करने पे kw पे क्या असर पड़ेगा ये तो हम देख रहे हैं अब बढ़ेगा या घटेगा टेंपरेचर बढ़ने में तो केडब बढ़ेगा या घटेगा ये देखते हैं ठीक है इसको आप नोट करिए ठीक है नोट कर लिए देखिएगा ध्यान से समझिएगा इंपॉर्टेंट है बहुत यह देखिए कि यदि मान लीजिए आप टेंपरेचर बढ़ा रहे ठीक है जैसे ये रिएक्शन था H2O डिसोसिएट कर रहा था H+ और OH- अच्छा इसका डेल्टा H क्या वर्ड है पॉजिटिव अरे यार डिसोसिएशन हो रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन है ठीक है तो डेल्टा H रिएक्शन क्या होगा कुछ भी वैल्यू होगा पॉजिटिव में ठीक है और वैल्यू कितना होगा ये आपको चाहिए तो मैंने बता कर रखा हूं 37.1 बता कर रखा हूं आयनिक इक्विलिब्रियम वाले सॉरी हां मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स में जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा रहा था तो वहां पे सारी बात मैंने बता दिया था ठीक है तो इसकी वैल्यू आपको 37.1 वैल्यू पता ठीक है अब मैं बात करूं अलग अलग की वैल्यू क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेंपरेचर देना पड़ेगा तो डेल्टा एच का साइन क्या होगा पॉजिटिव हो अब हम कह रहे हैं देख अब हम बात कर रहे हैं क्यों डिसोसिएशन चल रहा है डिसोसिएट करने के लिए टेंपरेचर देना पड़ेगा देयरफॉर रिएक्शन इज एंडोथर्मिक देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज पॉजिटिव ठीक है अब हम बात करें हम टेंपरेचर रिएक्शन का क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं ठीक है इफ टेंपरेचर इज इंक्रीजेस टेंपरेचर इंक्रीज कर रहा है देन क्या बोल रहे हैं T2 ग्रेटर देन क्या है
टी1 से मान ले रहा हूं। अब यहां देखना बेटा, लिख रहा हूं लॉग kw2 अब आई kw1 ठीक है, डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1/T1 - 1/T2। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। T2 क्या है? T1 से बड़ा, तो ये वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा। T2 बड़ा है T1 से, तो इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे ठीक है, तो वैल्यू क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर क्या आएगा? ओवरऑल राइट हैंड में क्या आएगा? पॉजिटिव, इन सेंस ऑफ क्या? ग्रेटर देन 0 बोल सकते हो आप, ये बोल सकते हो ना लॉग kw2 अब आई kw1 kw2 / kw1 इधर वैल्यू सारा क्या है? पॉजिटिव, इन सेंस ऑफ ग्रेटर देन 0। हम क्या कह सकते हैं? लॉग kw2 अब आई kw1 0 को लिख सकते हैं आप ऊपर ठीक है, दोनों तरफ लॉग कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा बेटा? kw2 / kw1 रिटर्न आएगा। इन सेंस क्या आ गया बेटा? kw2 बड़ा है सर किससे? kw1 से। यानी आपने क्या देखा कि सर यदि टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो kw का मान क्या हो गया? बढ़ गया। यानी यदि आप टेंपरेचर चेंज करेंगे तो kw का मान चेंज करेगा, बढ़ना h+ के कंसंट्रेशन चेंज करने से या OH- के कंसंट्रेशन चेंज करने से kw में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। kw में तभी फर्क पड़ेगा जब आप क्या चेंज करेंगे? टेंपरेचर। अब क्या दिखा? टेंपरेचर बढ़ाने पे क्या हुआ? kw इंक्रीज करेगा। यानी डिफरेंट डिफरेंट टेंपरेचर पे kw का मान क्या हुआ? डिफरेंट डिफरेंट आया, अलग अलग आया ठीक है। इतना तो कॉपी कर लीजिए आप पहले कि आपने क्या देखा कि टेंपरेचर जब इंक्रीज करोगे तो kw का मान भी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है ठीक है। इतना कॉपी करिए पहले आप, उधर तो आप नोट कर ही चुके, इधर नोट कर लीजिए पहले आप। यदि kw की जो वैल्यू है बेटा वो ओनली डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर, यदि आपने टेंपरेचर बढ़ाओगे तो kw क्या होगा? बढ़ेगा। यानी हम इसका कंक्लूजन ही लिख सकते हैं क्या? कंक्लूजन लिख सकते हैं क्या? इतना जो पॉइंट मैंने बताया इसकी कंक्लूजन जो है बेटा ठीक है, क्या है कंक्लूजन? कि टेंपरेचर सर बढ़ाएंगे तो kw बढ़ेगा। अच्छा kw बढ़ रहा है तो ये बात बताओ आखिर kw क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ाना कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा, मोर डिसोसिएशन होगा, और जब डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो इसमें सोलोज मास कंसंट्रेशन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जब kw का फार्मूला देखा h+ इनटू क्या OH-, यदि आप टेंशन बढ़ा रहे हो तो h+ और OH- भी बढ़ेगा क्योंकि डिसोसिएशन ज्यादा होगा। तो kw का फार्मूला क्या था? h+ का कंसंट्रेशन इनटू क्या OH-। यानी हम कह सकते हैं कि जब आएंगे kw बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि h+ की कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है ठीक है, मोर डिसोसिएशन होगा h+ बढ़ जाएगा, और आप कह सकते हो क्या OH- भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है। इसी कारण हम बोल रहे हैं ना kw की वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, टेंपरेचर बढ़ा रहा है। तो आपको क्लियर हो गया ठीक है। वन टॉपिक क्वेश्चन भी याद रखना, वन टॉपिक क्वेश्चन रखना भी है, म्यूचुअल एनर्जी के लॉग kw/kw1 लॉग kw/kw1 हमने पॉइंट ऑफ इक्वेशन के टर्म में ही अरेंज करा ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया कि टेंपरेचर चेंज करेंगे तभी kw की वैल्यू चेंज करेगा। अब आप समझिए हमें बात करने जा रहे हैं, अभी हमने फार्मूला लिखा kw = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ h+ इनटू क्या OH-। यानी पार्टिकुलर टेंपरेचर पे kw का मान क्या होगा? कांस्टेंट होगा ठीक है। kw ओनली फंक्शन ऑफ टेंपरेचर। यदि हम 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करें ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो h+ इनटू OH- = kw, और इसकी जो वैल्यू होती है
वो होता है 10 का पावर माइनस 13 रिमेंबर रखना है ये अर्ली क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा ये याद रखना है अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तो वैल्यू रहेगा अपने केडब्ल्यू में ठीक है तो 25 डिग्री एकदम ध्यान रखो हमेशा 10 का पावर माइनस 13 नहीं 25 डिग्री सेल्सियस पे यदि टेम्परेचर चेंज करोगे केडब्ल्यू चेंज कर जाएगा ठीक है अच्छा यहां से बात देखना मैं एक बात देखो इस फार्मूला को दूसरे फॉर्मेट में लिख सकता हूं मैं क्या लिख सकता हूं देखो तो दोनों तरफ नेगेटिव ग्राफ लगाते हैं क्या करता हूं नेगेटिव ग्राफ लगाता हूं तो क्या आ गया बेटा माइनस log kw इक्वल टू क्या बेटा माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ क्या h प्लस और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या oh माइनस लिख दिया स्मॉल ब्रैकेट क्रॉस कर दो अब यहां देखो क्या लिखो माइनस log kw इक्वल टू माइनस log h प्लस और प्लस माइनस log क्या oh माइनस इस तरह से लिख रहा हूं मैं अब समझो माइनस log kw क्या बोलेंगे pkw बता चुका हूं माइनस log kw क्या बोलेंगे pkw माइनस log h प्लस क्या बोलेंगे बेटा ph प्लस माइनस log h प्लस क्या बोलेंगे बेटा POH तो एक फार्मूला और मिला ठीक है जैसे KW बराबर H प्लस इनटू OH प्लस होता है ऐसा वैसे नहीं PKW बराबर PH प्लस क्या POH अभी आप 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करें आई 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करें ठीक है मैं इधर लिख रहा हूं नोट कर लो पहले इसको आप इसको नोट करो आप मैं इधर लिखूंगा ठीक है ध्यान देना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है क्या दो फार्मूला मैंने आपको निकाल के दिया के दो का कंसंट्रेशन ऑफ h प्लस इनटू क्या oh प्लस kw को क्या बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ठीक है pkw का क्या ph प्लस poh अब थोड़ा समझना एट 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करें हमने फार्मूला क्या लिखा ph प्लस poh इक्वल टू क्या बेटा pkw यदि हम 25 डिग्री सेल्सियस पे लिखें तो हमें पता है कि ना pH plus POH ठीक है और pKW हमें KW कितना 10 का पावर माइनस 13 ठीक है मैं आपको काम कर देता हूं देखो देखो समझ लो ना अरे pKW बराबर क्या लिखोगे माइनस log KW लिखोगे ना माइनस log KW लिखोगे ना ठीक है pKW बराबर क्या लिखोगे माइनस log KW pH बराबर क्या लिखोगे ऐसे माइनस log H plus वैसे pKW बराबर क्या लिखोगे माइनस log KW माइनस 14 10 का पावर माइनस 14 तो सॉल्व करो ना माइनस log 10 का पावर माइनस 14 कितना आ जाएगा 14 ये डायरेक्ट टेस्ट तो दिया था तुमने माइनस 14 आ गया प्लस 14 और log 10 की वैल्यू कितना 1 ये डायरेक्ट तो बताया था कि ठीक है यदि तुम्हें KW निकालना हो तो क्या करोगे क्या करोगे बेटा बताया था KW निकालने के लिए क्या बताया था बेटा कुछ हमें केडब्ल्यू नहीं चाहिए पीकेडब्ल्यू चाहिए तो निकालो ना ऐसे यदि केडब्ल्यू निकालना होगा तो क्या करते 10 का पावर माइनस पीकेडब्ल्यू बता चुका हूं केडब्ल्यू यदि निकालना होगा तो 10 का पावर क्या करेंगे माइनस पीकेडब्ल्यू करेंगे तो केडब्ल्यू निकल जाएगा लेकिन हमें ये निकालना क्या पीकेडब्ल्यू ही चाहिए केडब्ल्यू की वैल्यू तो निकाल के सॉल्व कर लिया ठीक है तो हमें आया कितना पीकेडब्ल्यू की वैल्यू 14 तो ये ध्यान रख ये फार्मूला तभी वैलिड है जब मेरा टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और ये जो फार्मूला 10 का पावर माइनस 14 तभी वैलिड है जब टेंपरेचर 25 डिग्री यदि क्वेश्चन पेपर में टेंपरेचर चेंज करेगा तो ये फार्मूला फेल कर जाएगा 10 का पावर माइनस 14 नहीं लिखेंगे हां ये तो ऑलवेज है ये तो किसी भी टेंपरेचर पे वैलिड है kw इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ h प्लस इनटू oh माइनस ये तो किसी भी टेंपरेचर पे वैलिड है लेकिन यदि टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस हुआ तो इसकी वैल्यू कितना होता है 10 का पावर माइनस 14 वैसे ही pH प्लस POH का सम pkw किसी भी टेंपरेचर पे लेकिन हम pH plus POH का सम 14 के बराबर तभी लिखेंगे जब मेरा टेंपरेचर कितना रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस यदि टेंपरेचर चेंज होगा तो फिर ये 14 नहीं लिखेंगे ये ध्यान रहे
हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि केडब्ल्यू द ओनली फंक्शन ऑफ टेंपरेचर, टेंपरेचर बढ़ाएंगे केडब्ल्यू की वैल्यू चेंज करेगा, ठीक है, टेंपरेचर बढ़ाएंगे चेंज टेंपरेचर बढ़ाएंगे या तो केडब्ल्यू की वैल्यू इंक्रीज करेगा, ये भी सारे मैंने एक्सप्लेन करा, ठीक है। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है सर बता, ठीक है, दो फार्मूला आपने देखा केडब्ल्यू और एचओ से टू ओएच माइनस पीकेडब्ल्यू बराबर पीएच प्लस पीओएच, ठीक है। अब देखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, कॉन्सेप्ट है समझना। अब मैं दो तीन पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है। फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें भैया, न्यूट्रल सॉल्यूशन तो आप जानते हैं कि सॉल्यूशन न्यूट्रल है, इट मींस क्या है, अरे यार जितना एच प्लस होगा उतना क्या होगा OH- होगा तभी तो न्यूट्रल रहा होगा, यदि न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो जितना एच प्लस होगा उतना क्या होगा OH- होगा, ठीक है। अच्छा ये एक फॉर्मूला पढ़ जरा, ठीक है, KW इक्वल टू, ठीक है, ऐसे लिखता हूं H प्लस इंटू OH- माइनस इक्वल टू क्या KW, पढ़े जाए क्या है, और न्यूट्रल में दोनों क्या होता है बराबर होता है, जिसको लिख सकते हैं H प्लस का स्क्वायर, देखो OH- को भी H प्लस लिखते हैं, न्यूट्रल के लिए कंडीशन है ना, ठीक है, तो इसको भी H प्लस लिखते हैं, इक्वल टू क्या हो गया KW, यानी H प्लस इक्वल टू की वैल्यू कितना आ गया न्यूट्रल KW। तो हम कह सकते हैं ना कि न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए क्या है बेटा, H प्लस इक्वल टू OH- माइनस बराबर तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगा रूट अंडर के डब्ल्यू के बराबर होगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट समझ लो, ठीक है। यदि सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो H प्लस बराबर क्या OH- माइनस और इसकी वैल्यू किसके बराबर रूट अंडर के डब्ल्यू के बराबर। अब देखो बेटा समझ लो थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं, ये तो अलग वैल्यू है किसी भी टेम्परेचर पे वैल्यू है, लेकिन अगर 25 डिग्री सेल्सियस लेते हो तो क्या बोलोगे H प्लस इक्वल टू क्या OH- माइनस, और 25 डिग्री सेल्सियस पे केडब्ल्यू का मान कितना 10 का पावर माइनस 40, उसका रूट लेंगे तो कितना जाएगा 10 का पावर माइनस 40 का रूट लेंगे तो बेटा कितना जाएगा 10 का पावर माइनस 7। यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए H प्लस बराबर OH- माइनस इक्वल टू 10 का पावर माइनस 7 तभी होगा जब मेरा टेम्परेचर 25 हो डिग्री सेल्सियस हो, यदि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है तो H प्लस बराबर OH- माइनस बराबर 10 का पावर माइनस 7 नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रहे कि बच्चे की आदत होती है न्यूट्रल के लिए H प्लस बराबर की वैल्यू OH- माइनस के बराबर हो और मेरा टेम्परेचर तो क्या होगा pH इक्वल टू क्या pOH
और हाफ टी के डब्ल्यू का मान जानते हो 45 पे कितना 40 तो हाफ 40 कर दो ना तो कितना आ गया 7 ये तुम कह सकते हो ना pH equal to POH equal to 7 तभी होगा जब मेरा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा यदि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है तो pH बराबर POH बराबर 7 नहीं बोलेंगे आप ठीक है कार्डिक चैम्बर हम क्या बोलेंगे मेन फार्मूला क्या है एक्सप्रेस इन पीओएच मास ऑफ न्यूट्रल केडब ठीक है और मेन फार्मूला ये न्यूट्रल के पीएच इक्वल टू पीओएच इक्वल टू हाफ केडब ये मेन फार्मूला अरे यार एक्सप्रेस पर ओएच मास बराबर 10 का पावर माइनस 7 तभी बोलेंगे हम जब 25 डिग्री सेल्सियस मेंशन हो और यहां भी देख पीएच बराबर पीओएच बराबर 7 तभी बोलेंगे जब मेरा टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस मेंशन हो अरे टेंपरेचर चेंज करेगा तो आप यदि क्या आपसे बोले कि यदि मेरा पीएच 7 आ रहा तो क्या मेरा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा हां तभी होगा जब टेंपरेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है यदि टेंपरेचर चेंज कर देगा तो बोलेगा क्या कि टेंपरेचर चेंज करेगा और पीएच बराबर 7 होगा तो आपसे पूछेगा क्या सॉल्यूशन न्यूट्रल है नहीं नो सर न्यूट्रल तभी होगा जब पीएच बराबर पीओएच हो और वैल्यू 7 के बराबर है तो ये 7 के बराबर तभी होगा जब टेंपरेचर 25 डिग्री हो यदि टेंपरेचर 50 डिग्री ले और पीएच बराबर 7 दे दे पूछे आपसे न्यूट्रल है नो सर नो सर ठीक है तो बोले सर वैसे सवाल को कैसे ऑपरेट करेंगे क्वेश्चन बता रहा ठीक है लेकिन ये ध्यान रहे कि पीएच 7 तभी मेरा न्यूट्रल कहलाएगा जब मेरा टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस है यदि टेंपरेचर 25 नहीं है तो न्यूट्रल का कंडीशन कहां है तो आपको उस टेंपरेचर पे पीकेडब्ल्यू पता करना होगा उस टेंपरेचर पे पीकेडब्ल्यू पता करना होगा ठीक है टेंपरेचर चेंज करेगा तो केडब्ल्यू चेंज कर जाएगा और जब केडब्ल्यू चेंज कर जाएगा तो पीकेडब्ल्यू चेंज कर जाएगा तो पीकेडब्ल्यू चेंज कर जाएगा तो पीएच भी चेंज कर जाएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए यदि आप टेंपरेचर चेंज करेंगे तो पीएच की वैल्यू में क्या आएगा चेंज कर जाएगा किसके लिए न्यूट्रल के यदि टेंपरेचर चेंज करोगे तो पीएच बराबर 7 नहीं होगा न्यूट्रल के लिए कंडीशन वो चेंज कर जाएगा कंडीशन को ठीक है अब हम बात कर रहे हैं क्या ठीक है दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर वैसे मैं थोड़ी बात करूं एसडी के लिए भी और बेसिक सॉल्यूशन के लिए ध्यान दीजिए नोट तो आपने कर लिया हो देखिएगा एसडी के लिए भी कंडीशन निकाल रहा हूं बेसिक के लिए भी निकाल रहा हूं समझिएगा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट नंबर टू फॉर एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं एसिडिक सॉल्यूशन तभी होगा ना जब H+ का कंसंट्रेशन क्या हो OH- से क्या हो ज्यादा एसिडिक का है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना दोनों तरफ नेगेटिव लॉग लगाएंगे तो साइन क्या करता है न्यूट्रलिटी का चेंज कर जाएगा तो क्या बदल जाएगा लिख सकते हैं आप इसको pH और pOH में कौन बड़ा pOH बड़ा ठीक है यदि एसिडिक सॉल्यूशन हुआ तो H+ बड़ा हुआ है OH- से और pH और pOH में कौन बड़ा pOH बड़ा ठीक है और pH क्या हुआ कम हुआ ठीक है अच्छा एक पॉइंट और देखते हैं इसमें देखिए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अरे यार H+ रूट अंडर kW से बड़ा हुआ क्योंकि देखिए ना अभी अभी ने बताया कि जब न्यूट्रल रहा तो H+ बराबर OH- अब बराबर क्या था रूट अंडर के डब्ल्यू तो जब एच प्लस एच माइनस से बड़ा हो गया तो के डब्ल्यू से भी तो बड़ा होगा अरे यार समझो क्या बोल रहा जब ये इससे बड़ा हो गया ठीक है ये जो एच प्लस है ओ एच माइनस से बड़ा हो गया ठीक है तो के डब्ल्यू से भी क्या होगा बड़ा ही होगा ना तो ऐसे ही तो लिखा होगा ये भी एच प्लस की सबसे कंडीशन है कि यदि आप एच प्लस की वैल्यू रूट अंडर के डब्ल्यू से बड़ा प्रूफ कर दिए तो सोल्यूशन क्या होगा एसिडिक होगा ठीक है अच्छा इसको दोनों तरफ नेगेटिव का वाला क्या आएगा बताओ तो पीएच माइनस लॉग लगा तो न्यूट्रलिटी का डायरेक्शन क्या बढ़ जाएगा चेंज कर लेना बेटा तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा हां ठीक है सॉरी लेस देन डायरेक्शन चेंज कर रहा है न्यूट्रलिटी का माइनस लॉग लगाएंगे तो हां क्या पी के डब्ल्यू ठीक है अब देख लो बहुत अच्छे से देख लो अभी हम इसमें टेंपरेचर करें है ठीक है कितना डिग्री सेल्सियस बेटा 25 डिग्री सेल्सियस से लेते हो 25 डिग्री सेल्सियस
ठीक है, तो पीएच ठीक है लेस देन एप्लीकेबल का मान कितना 1425 डिग्री सेल्सियस के, तो 14 का आप कितना 7, यानी यदि एसिडिक सॉल्यूशन है तो पीएच लेस देन 7 होगा, कब जब टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस से पर होगा तब अधिकतम के 5 पे चेंज किया टेंपरेचर 25 से, तो पीएच लेस देन 7 कोई जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक ही हो जाए, अधिक टेंपरेचर चेंज करेगा तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीएच का भी कंडीशन चेंज कर देगा, ये पीएच लेस देन 7 एसिडिक तभी बोलेंगे जब मेरा टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस मेंशन हो क्वेश्चन में, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि सॉल्यूशन एसिडिक है तो एस प्लस ओएच मान से बड़ा होगा, पीएच और पीओएच में पीओएच बड़ा होगा, नेगेटिव ग्रोथ का फॉर्मूला लगाएंगे ह्यूमिडिटी का डायरेक्शन चेंज कर देगा, वही मैंने किया है यहां भी हमारे कि एच प्लस और रोटेटर के डब्ल्यू में बड़ा कौन होगा, एच प्लस बड़ा होगा, ठीक है, जब ओएच मान से बड़ा होगा एच प्लस तो रोटेटर के डब्ल्यू से भी बड़ा होगा, ठीक है, सिमिलरली जिस तरह से आपने एसिडिक के लिए बात किया और नोट कर लीजिए हमने बेसिक के लिए बताया, ध्यान दीजिएगा सिमिलरली यदि हम बेसिक्स के लिए पॉइंट नंबर 3 फॉर बेसिक सॉल्यूशन की बात करें तो बेसिक सॉल्यूशन क्या है, H+ और OH- में कौन बड़ा बेटा, OH- से बड़ा, चेंज कर दिया, ठीक है, तो दोनों तरफ निगेटिव लॉग आएगा, इंट्रोडी का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, चेंज कर जाएगा, यानी बेसिक सॉल्यूशन में कौन बड़ा, pH और pOH में pH बड़ा, ठीक है, अब यहां भी देखो यहां भी चेंज कर लो OH- से, ठीक है, H+ रूट अंडर के डब्ल्यू से क्या हुआ, H+ रूट अंडर के डब्ल्यू से क्या हुआ, लेस देन हुआ, छोटा हुआ, ठीक है, एस प्लस में घट गया ना OH- से, ठीक है, यानी रूट अंडर के डब्ल्यू से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, तो यहां चेंज करो क्या आ गया, पीएच नेगेटिव लॉग दोनों तरफ लगाओगे, ठीक है, इंट्रोडी का डायरेक्शन क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, यानी पीएच ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, हाफ पी के डब्ल्यू, ठीक है, तब क्या बोल सकते हैं, अब 25 डिग्री सेल्सियस पे पी के डब्ल्यू का मान कितना 14 का हाफ करोगे तो 7, तो 7 से क्या होगा ग्रेटर देन, किसके लिए बेसिक सॉल्यूशन के लिए, यदि सॉल्यूशन बेसिक है तो पीएच ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है, ऐसे लेकिन टेंपरेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस मेंशन होना चाहिए, अधिक टेंपरेचर चेंज करेगा तो यहां से चेक करेंगे हम कि पीएच बड़ा है हाफ पी के डब्ल्यू से तब बोलेंगे बेसिक और छोटा है हाफ पी के डब्ल्यू से तो एसिडिक बोलेंगे और बराबर है तो बोलेंगे मेरा क्या है सर न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है, ये मेन क्राइटेरिया है, ये मेन क्राइटेरिया थी, ये तभी हम डिफाइन करेंगे अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, अब इसको कॉपी कर लीजिए, मैं इसमें कुछ सवाल डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, कॉपी करिए इसको पहले, कुछ क्वेश्चंस यहां पे लिखा हूं जो कि आपके असाइनमेंट में लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है ना इफ केडब्ल्यू इक्वल टू 10 का पावर माइनस 13 एट टेंपरेचर 62 डिग्री सेल्सियस देन फाइंड आउट पीएच प्लस पीओएच, तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा ना कि पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 लिखा गया, नो सर, क्यों सर, अरे टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस है ही नहीं, pH plus pOH का फॉर्म 14 तभी लिखा गया जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो मेन फार्मूला वही है pH plus pOH का क्या बताया था pKW, ठीक है, kW का मान कितना है 10 का पावर माइनस 13, तो pKW कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है, अरे pKW निकालना बताया था pKW को क्या करोगे माइनस log kW, ठीक है, तो pKW की वैल्यू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है, जैसे देखो ना मैं यहां पे pKW इक्वल टू लिखोगे ना माइनस log kW और kW का मान कितना है 10 का पावर माइनस 13, माइनस 13 आ गया तो कितना आ जाएगा माइनस 13 इनटू log 10 माइनस प्लस 13 हो जाएगा ना, ठीक है, डबल log 10 की वैल्यू कितना और 13 हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रहे कि टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस मेंशन हुआ तब 14, यहां तो क्वेश्चन में टेंपरेचर ही चेंज कर दिया गया, ठीक है, बच्चे लोग पांचवा में आंसर 5 के मार्क है कि पीएच प्लस पीओएच का सम हो गया, ठीक है, 14 मार्क ऑप्शन को 14 भी रहेगा लेकिन टेंपरेचर अधिक 25 होगा तब 14, ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट दूसरा H+ फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन,
तो बच्चे याद कर रहे थे न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए x + 10 पावर माइनस 7। अरे क्या वो लिखूं? नो सर, क्यों? टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूं? ये फर्स्ट हो गया, सेकंड कैसे बनेगा सर? तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए h+ की जो वैल्यू होता है OH- के बराबर और इसकी वैल्यू रूट अंडर kw के इक्वल होता है। यदि h+ पावर रूट अंडर kw तो लिख सकते हैं ना, अभी भी कंडीशन बताया था न्यूट्रल की, यदि h+ इक्वल टू क्या बोलेंगे? ठीक है, रूट अंडर kw, kw का मान कितना है? kw का मान 13, इसका रूट निकाल लेंगे h+ आ गया। तीसरा क्या निकालना है? pH निकालना है। अभी पढ़ा था ना कि न्यूट्रल के pH इक्वल टू pOH और इक्वल टू क्या है? हाफ पी के डब्ल्यू, हाफ पी के डब्ल्यू। तो हमें पीएच निकालना, तो हाफ पी के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू का मान कितना है? 30। तो 30 का हाफ कर दो ना, कितना जाएगा? यानी पीएच इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना हाफ पी के डब्ल्यू इक्वल टू हाफ और पी के डब्ल्यू का मान कितना? 30। तो 30 का हाफ कर दो कितना? 6. बताओ यार, 6.5। ठीक है सर, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया सर, कैसा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब यहां देखिए kw 9.6 × 10⁻¹⁴ at 60 डिग्री सेल्सियस, फाइंड आउट द h+ फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो क्या है, हम भी लिख दूं h+ न्यूट्रल के लिए? तो बच्चे रटते रहते हैं कि 10⁻⁷ क्या लिखूं? नो सर, क्यों सर? टेंपरेचर 60 डिग्री सेल्सियस यहां आंसर है, वो तभी करेंगे 10⁻⁷ के बराबर जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बन सके। तो कैसे सॉल्व करें? वही मेन कांसेप्ट है आप कि न्यूट्रल के लिए मैं बता के रखा हूं अभी भी कि h+ इक्वल टू क्या? OH- इक्वल टू क्या? रूट अंडर kw, डायरेक्ट लिखा। और kw की वैल्यू मुझे पता है कितना? 9.6 × 10⁻¹⁴, रूट ले लो अप्रोक्स आ जाएगा 3.09 × 10⁻¹⁷। ठीक है, h+ निकल गया। दूसरा क्या निकालना है? कह रहा है कि यदि सॉल्यूशन का पीएच 7 है तो सॉल्यूशन का नेचर दिया हुआ है। बच्चे बोल रहे हैं सर न्यूट्रल है, अरे न्यूट्रल तब भी होगा ना जब 25 डिग्री सेल्सियस हो। तो सर नेचर कैसे पता करेंगे? सर नेचर कैसे पता करेंगे? तो पहले हम क्या पता करते हैं? मैंने अभी बताया था कि यदि पहले यहां से पीएच दिया गया कितना 7 दिया गया, h+ का लेंगे ठीक है, हम बोले जाते हैं पीएच बराबर क्या? माइनस लॉग h+ डायरेक्ट बताया था। ठीक है, तो h+ हम क्या लिखेंगे? 10⁻⁶ माइनस का ट्रांसफर कर लो 10⁻⁶, इट मींस 10⁻⁷ आ गया h+ का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो रूट अंडर kw की वैल्यू चेक करता हूं। ठीक है, यदि h+ बड़ा हो गया kw से तो क्या होगा? एसिडिक होगा, बराबर हो गया तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, बड़ा हो गया h+ और kw में kw बड़ा हो गया रूट अंडर kw तो सॉल्यूशन क्या होगा? वैसे कंडीशन बताया जा चुका है। ठीक है, रूट अंडर kw की वैल्यू आ रहा है 3.09 × 10⁻⁷। देखो यार कौन सा वैल्यू बड़ा है, रूट अंडर kw बड़ा है या h+ बड़ा? तो रूट अंडर kw बड़ा है, देयरफॉर हम कह सकते हैं ना कि कंसंट्रेशन ऑफ h+ में और रूट अंडर kw में रूट अंडर kw की वैल्यू बढ़ा है। तो किसके लिए कंडीशन था ये? किसके लिए था? बेसिक के लिए, बेसिक। ठीक है, यानी सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? बेसिक हो, जो पीए 7 दिया गया 60 डिग्री पे, देन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक हो, क्योंकि हम जानते हैं कि पीएच बराबर 7 न्यूट्रल तभी होता है जब 25 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन यहां टेंपरेचर 25 रहेंगे। तो आपको ये क्राइटेरिया बता चुका हूं कि न्यूट्रल चेक करना हो तो h+ का रूट अंडर kw देखो। ठीक है, एसिडिक चेक करना हो रूट अंडर kw से बड़ा होना चाहिए h+, बेसिक चेक करना तो h+ की वैल्यू रूट अंडर kw से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो यहां देखिए ना h+ की वैल्यू रूट अंडर kw से क्या है? स्मॉल है ना। ठीक है, देयरफॉर सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? बेसिक होगा। तो मैं आशा रखता हूं, विश्वास करता हूं कि आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर से रिलेटेड जितनी भी कांसेप्ट था, ठीक है, वो सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने डीपीपी का जो क्वेश्चंस डिस्कस किया उसको नोट कर लीजिए, फिर अगले लेक्चर में आपको मैं होमवर्क दिया हूं कुछ,
उसको आप करके आइए, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।